गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मंगतुराम चौधरी स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में कक्षा 5 के सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत वैदिक गणित के गुणन संक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। गुणन संक्रिया क्या होती है? अब तक तो हमने एकाधिकेन पूर्वेण और एक न्यूनेन पूर्वेण से घटाव किए थे। अब हम यहाँ पर निखिलम विधि से गुणन संक्रिया यानी कि गुणा करेंगे। तो देखिए, उससे पहले उसके बारे की जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं उनको हम इस वीडियो के अंतर्गत बताने जा रहे हैं, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा और ध्यानपूर्वक सुनिएगा, समझिएगा। गुणन संक्रिया निखिलम विधि से, चरम अंक तथा निखिलम अंक, हमें यहाँ बताना है कि चरम अंक क्या होते हैं और निखिलम अंक क्या होते हैं। तो देखिए, किसी भी संख्या का चरम अंक उसका इकाई अंक होता है। किसी भी संख्या आपको यदि दी गई है उसका जो चरम अंक होता है वो उसका इकाई अंक होता है, परंतु उसके सभी अंक निखिलम अंक जाने जाते हैं और जो संख्या में दिए गए जो सभी अंक होते हैं उनको हम निखिलम अंक बोलते हैं। जैसे 427 में चरम अंक 7 है, यानी कि जो ये 427 है इसका जो पहला अंक है इकाई वाला, इसको तो हम बोलते हैं चरम अंक। ये तो क्या होता है भैया, वो चरम अंक। और बाकी जो सभी अंक हैं, बाकी का मतलब निखिलम अंक तो ये सभी हैं, 4 भी है, 2 भी है और 7 भी है, यानी संख्या के जो सभी अंक हैं यहाँ पर लिखा हुआ है उसके सभी, यानी परंतु उसके सभी अंक निखिलम अंक जाने जाते हैं, यानी कि सभी अंकों को हम निखिलम अंक बोलते हैं। और जो संख्या का इकाई का अंक होता है वो चरम अंक होता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि चरम अंक क्या होता है और निखिलम अंक क्या होता है। संख्या का इकाई का अंक चरम अंक होता है और संख्या के सभी अंक निखिलम अंक होते हैं। आगे देखिए, विचलन। विचलन क्या होता है? वैदिक गणित में सामान्यतः 10 या 100 अथवा 10 की किसी घात को संख्या का आधार माना जाता है। यानी कि आपको वैदिक गणित के अंतर्गत 10, 100, 1000, 10000, यानी कि 10 की घात होनी चाहिए। ये 10 की 2 घात है, ये 10 की 3 घात है, यानी कि 10 × 10 100 और 10 × 10 × 10 10 × 100 और 100 × 1000, यानी कि 10 की कोई भी घात हो। गणित में सामान्यतः 10 या 100 अथवा 10 की किसी घात को संख्या का आधार माना जाता है। यदि संख्या में से उक्त आधार घटा दिया जाए तो शेष फल को विचलन कहते हैं। यदि जो संख्या आपको दी जाए, मान लीजिए आपको 14 संख्या दी गई है, इस 14 में से आधार 10 को घटा दिया जाए तो जो ये 4 बचता है वो विचलन माना जाता है। क्या माना जाता है भैया? वो विचलन माना जाता है। यही बात इसमें कही गई है कि यदि संख्या में से उक्त आधार घटा दिया जाए तो शेष फल को विचलन कहते हैं। तो ये अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं यहाँ से, इसको आप विशेष कर ध्यान रखना है, याद रखना है। यदि संख्या में से उक्त आधार घटा दिया जाए तो शेष फल को विचलन कहते हैं। कोई भी संख्या दे दी आपको, जैसे 16 दे दिया और 16 में से आधार घटा दें हम, यानी कि 16 में से 10 आधार घटा दिया तो जो 6 बचेगा वो विचलन होता है।
आगे देखिए, यदि संख्या आधार से बड़ी होती है तो विचलन धनात्मक होता है। यदि संख्या आधार से बड़ी होती है तो जो विचलन आता है वो धनात्मक आता है। धनात्मक का मतलब प्लस में आता है। किस में आता है भैया? वो प्लस में। यानी कि अभी मैंने आपको बताया था कि 16 में 10 आधार है तो इसका विचलन हो गया 6। विचलन बराबर 6। जो ये विचलन है वो प्लस का आएगा, यानी प्लस 6 है। क्यों? क्योंकि जो ये जो संख्या है वो आधार से बड़ी है। यहां पर लिखा हुआ है यदि संख्या आधार से बड़ी होती है तो विचलन धनात्मक होता है, और यदि संख्या आधार से छोटी होती है तो विचलन ऋणात्मक होता है। यानी आपको कोई संख्या दे दी 7 और आपसे कहा कि इसका विचलन निकालिए, तो हम देखते हैं इसका आधार 10 है और ये 10 बड़ी संख्या है और 7 छोटी। यानी जो संख्या दे रखी है वो तो छोटी है और जो आधार है वो 10 है। यानी संख्या आधार से छोटी है तो विचलन हमारा ऋणात्मक होगा। किसका होगा भैया? हो ऋणात्मक यानी उस माइनस का होगा। तो यहाँ पर जो विचलन आएगा वो विचलन आएगा 10 में से 7 घटाएंगे तो 3, यानी कि माइनस का 3। कितना आएगा भैया? हो माइनस का 3। यहाँ पर विचलन माइनस का 3 आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो संख्या है वो आधार से छोटी है। नोट देखिए, किसी संख्या का परममित्र अंक उस संख्या का विचलन का ऋणात्मक मान होता है। किसी भी संख्या का परममित्र अंक उस संख्या का विचलन का ऋणात्मक होता है। मान लीजिए आपको कोई भी संख्या दे दी, जैसे 5 दे दी, तो इस 5 का जो परममित्र अंक 5 है वो ऋणात्मक होगा। क्योंकि जब हम आधार 10 मानेंगे और 10 में से 5 घटाएंगे तो जो विचलन आएगा वो माइनस का 5 आता है। इसलिए ये कह रहा है कि किसी संख्या का परममित्र अंक उस संख्या का विचलन का ऋणात्मक होता है। जैसे संख्या 13 दे रखी है, इस 13 में आधार बराबर 10 है तो इसका जब हम विचलन निकालेंगे तो विचलन होगा 13 - 10 = 3। कितना होगा भैया? हो 3। और ये जो होगा वो प्लस का होगा। प्लस का 3 विचलन आएगा 13 का। क्यों? क्योंकि इसमें संख्या आधार से बड़ी है और जब संख्या आधार से बड़ी हो तो विचलन धनात्मक होता है। यानी धनात्मक यानी प्लस का चिन्ह लगता है। यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाना है 3 के साथ। और दूसरे नंबर पर हमें संख्या 8 दे रखी है, इसका जब हम आधार 10 मानेंगे तो विचलन होगा इसका 8 - 10 = -2। तो ये माइनस का 2 विचलन होगा। क्योंकि यदि संख्या आधार से छोटी है तो विचलन ऋणात्मक होता है। यहाँ पर ये जो संख्या है वो आधार से छोटी है, जब हम इसमें से आधार को घटाएंगे तो -2 विचलन आएगा हमारे पास। प्रश्नावली 4.3 का पहला क्वेश्चन है, 10 के आधार पर विचलन लिखिए। यानी कि 10 आधार मान करके हमें विचलन लिखना है। तो पहला दिया गया है 14 का विचलन। जब हम 10 आधार मानते हैं, आधार 10 मानने पर जो हमारा विचलन आएगा, यहाँ पर 14 दे रखा है यानी जो संख्या है वो आधार से बड़ी है तो विचलन धनात्मक आएगा, यानी कि प्लस के 4। 11 का विचलन, ये भी आधार 10 से बड़ा है तो यहाँ पर भी प्लस 1 विचलन आएगा।
नंबर तीन है आठ का विचलन, ये जो संख्या है वो आधार से छोटी है तो इसका विचलन ऋणात्मक आएगा, यानी कि यहाँ पर माइनस का दो आएगा। नौ का विचलन, यहाँ हम आधार दस मानते हैं तो ये जो संख्या है वो आधार से छोटी है, जब आधार से छोटी हो संख्या तो विचलन ऋणात्मक होता है, तो यहाँ पर आएगा माइनस का एक। तेरह का विचलन, यहाँ पर संख्या आधार से बड़ी है तो धनात्मक आएगा विचलन, यानी कि प्लस के तीन आएंगे। 19 का विचलन, यहाँ पर भी संख्या आधार 10 से बड़ी है तो जो विचलन आएगा वो प्लस का 9 आएगा। 7 का विचलन, ये संख्या आधार 10 से छोटी है तो हमारा जो विचलन आएगा वो माइनस का 3 आएगा। 8वां नंबर है 6 का विचलन, यहाँ पर आधार 10 से छोटी संख्या है तो विचलन माइनस का 4 आएगा। इस प्रकार आपको विचलन निकालने हैं। इस वीडियो में इतना ही, आपको अगली वीडियो में वैदिक गणित द्वारा गुणा करना सिखाएंगे। थैंक यू।